हेलो, वेलकम टू द एसके रूफटॉप किचन गार्डन। आपका एसके रूफटॉप किचन गार्डन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे, ये देखिए, ये 18x18 इंच का हमारा ग्रो बैग है नया। ये आपको लगाना बताएंगे कैसे लगाया जाता है। ये देखिए, पहले से ही हमने सॉइल भर दिया है इसके अंदर। एक लेयर ये देखिए सोइल की डाल दी है, बाकी नीचे ही है, उसका बेस ही है नीचे। इसको अच्छे से खलार कर, स्प्रेड कर कर, फिर उसके बाद आपको बताते हैं क्या डालना है। ये देखिए, ये सूखे पत्ते, सूखी टहनियाँ, ब्रांचेस, रूट्स, ये सारा सूखा ही मिक्सचर तैयार हुआ है हमारा। ये सारा इसके बेस में जाएगा। इसको छोटे छोटे पीस में, मतलब जैसे ये टाँगें हैं, ये इस ग्रो बैग से भी बड़ी है, ये देखिए। इसलिए इसको इतने इतने छोटे छोटे पीस में करने का हमारा मतलब होगा, जल्दी डीकम्पोज हो, जल्दी हमारी खाद नीचे बने। क्योंकि सबसे नीचे हम खाद फर्स्ट टाइम ही दे पाएंगे जितनी भी देंगे, उसके बाद देनी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि इतना बड़ा ग्रो बैग है हमारा, इसका इतना एरिया हमें खाली करना पड़ेगा, फिर नीचे खाद दी जाएगी। इसलिए नीचे खाद इन पत्तों से बनती रहेगी। हम आपको छोटे छोटे पत्ते कर कर दिखाते हैं कैसे किए जाते हैं, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। ये देखिए, हमने ब्रांच के जैसे कलम लगाने के छोटे छोटे पीस होते हैं, वैसे छोटे छोटे पीस कर दिए। ये देखिए, ये जड़ों का गुच्छा, इसका भी हमने छोटा पीस कर दिया। ये सारा इस ग्रो बैग में जाएगा, ये सारा। ये देखिए, ये सारा ग्रो बैग में भर दिया जाएगा। इसको हम खिलार इसलिए नहीं रहे क्योंकि ये देखिए नुकीले साइड होते हैं, ये ग्रो बैग में शेक करने का बड़ा अच्छा काम करेंगे ये ले। देखिए, इसलिए आप भी नुकीली चीज़ें मत ही डालें अपने ग्रो बैग में। अब इसमें मिट्टी भर देंगे, बस यही वे होता है एक ग्रो बैग भरने का। ये देखिए, हमारी सॉइल रेडी पड़ी है। और ये देखिए, ऐसे हम डालेंगे अपनी सॉइल। सॉइल ऐसे ही जैसे नॉर्मल पॉट्स भरे जाते हैं भरकर, आप लगा दें ग्रो बैग में जो भी लगाना चाहें। आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए, सॉइल में पहले ही कंपोस्ट डाल दी गई है। आपको ये छोटे छोटे दाने ही बता रहे होंगे, इतनी अच्छे से केंचुआ खाद तैयार हुई हुई है। क्योंकि ये देखिए, सॉइल ये है, ये देखिए कितनी सख्त है ये ली मिट्टी, यही इस मिट्टी को पोरस करेंगे। ये देखिए, आप कहेंगे ये खाद नहीं है, ये देखिए ये मिट्टी है हमारी, ये कितनी सख्त है। और ये देखिए, आज हम गमले से निकाला अनार का पेड़ शिफ्ट करेंगे। हमने फ्रूट क्रेट से पेड़ निकाल लिया और वो आपको नज़र आ रहे होंगे ग्रो बैग, उस पर भी आपको वीडियो ज़रूर दिखाएंगे वो कैसे हमने लगाए, कैसा उसका मेथड था। ये आपको अपडेट दे दी है, अनार के प्लांट को शिफ्ट करने लगे हैं हम आज इस बड़े ग्रो बैग में। ये देखिए, आपको बता ही देते सारा। इसकी ये देखिए रूट्स, अंदर रूट बाउंडिंग हो चुकी है। ये देखिए, इस गुच्छे से आपको पता लग ही रहा होगा, सारी रूट बाउंडिंग। अभी भी चल सकता था ये ला प्लांट, मगर हमने इसलिए जल्दी की क्योंकि
अभी थोड़ी देर के लिए भी रखते हैं इसको। अब ये देखिए थोड़ी देर के लिए भी रखते हैं तो फिर गर्मियाँ आ जाती। गर्मियों आने के बाद फिर थोड़ा मुश्किल हो जाना था चेंज करना, क्योंकि गर्मियों में प्लांट्स को रिपोर्ट नहीं किया जाता। फरवरी का सीज़न होता है, जनवरी फरवरी, और उसके बाद आ जाता सीज़न अपना अगस्त, जब बारिशें होती हैं। ये देखिए अपडेट दे देता हूँ, फ्लावरिंग आ रही है इस पर, आपको सारी वीडियो दिखाऊंगा इस अनार के पेड़ पर भी। आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।